अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब हरियत से होंगे। तो आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो है चिकन और भिंडियाँ। उम्मीद है आप सबको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भिंडियों को अच्छे से धो के ड्रेन कर लें, और जब इनका पानी काफ़ी हद तक निकल जाए तो आप इनको काट लें। ये प्लीज़ दरमियान से डेफिनेटली आपने काटना है, इससे भिंडियाँ बहुत अच्छे से बनती हैं क्योंकि मसाला अंदर तक चला जाता है। तो ये मैंने सारी तकरीबन काट के रख ली है। इनको डालें पैन में, और इसमें थोड़ा सा जाएगा लेमन जूस तकरीबन 1 टेबलस्पून, और तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाली है पाउडर, और थोड़ा सा ऑयल डाल के आप इसको, आपने जितना आपको कलर चाहिए उसके मुताबिक इसको ब्राउन कर लें। इस तरह करने से ये है कि इसका जो स्टिकीनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है और भिंडियाँ जल्दी बन भी जाती हैं। साथ में मैंने ये एक प्याज स्लाइस किया है, आपने चॉप नहीं करना, स्लाइस करना है। तो ये भी मैं भिंडियों में शामिल करूँगी जब ये थोड़ी सी हो जाएंगी। तो उसको हमने सिर्फ नरम ही करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है प्याज को। तो ये इसमें डाल दी मैंने प्याज, और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। और अब दूसरे पैन में हमने एक प्याज और लेना है, और उसको हमने चॉप कर लेना है। इसको हम डालेंगे तेल में और इसको हम ब्राउन कर लेंगे, और ये 2 फ्रेश टमाटोज ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। अभी इनको भी अच्छे से चॉप कर लें बारीक। ये मसाला जो हम बना रहे हैं ये थोड़ा सा आपने पीस के बनाना है, मतलब कि बहुत मोटा मोटा नहीं हो। तो मैंने इसको भी अच्छे से चॉप कर लिया है। प्याज हमारे हो गए ब्राउन, अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन तकरीबन 1 टेबल स्पून, और इसमें जो हमने टमाटर चॉप किए थे वो डाल दिए हैं। इस तरह मसाला ज़रा जल्दी से बन जाता है। और इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे, ये है चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, और ये मैंने फ्रेश हल्दी डाली है इसमें 1 टीस्पून, और ये सॉल्ट है, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, थोड़ी सी कसूरी मेथी, और ये हमने इसमें लाल मिर्ची डालनी है, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, सूखा धनिया तकरीबन 1.5 टीस्पून, और ये नॉर्मल मसाले हैं जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। बस ये आप डाल के इनमें, तो इसे अच्छे से मसाले को आपने भूनना है जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ दे। और ये मैंने चिकन थाई इसमें ऐड किए, आप कोई भी, बेशक आप फुल चिकन इस्तेमाल कर लें, आपकी मर्ज़ी पे है। अब हमने इसे अच्छे से भून लेना है। और ये मैंने तकरीबन इसमें थोड़ा सा अनारदाना पाउडर डाला है, थोड़ी सी खट्टी बने तो ज़्यादा नाइस लगती हैं, आपकी मर्ज़ी, ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें तो ना डालें। अब थोड़ा सा इसे कवर करके इसे थोड़ा सा पका लेंगे। ये देखें कितना अच्छा मसाला भुन गया है, और मसाले ने भी ऑयल छोड़ दिया है। अगर आपका चिकन गल गया है तो आप इसमें जो हमने भिंडियाँ करके रखी हुई थी पहले से ब्राउन, ये देखें मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं की, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप ज़्यादा ब्राउन करना चाहें तो ज़्यादा कर लें। अब हम थोड़ी देर इनको मिक्स करके तो दम पे रखेंगे ताकि चिकन का फ्लेवर भी इनमें अच्छे से चला जाए। और बस दम पे रख के थोड़ी देर बाद ये रेडी हैं तकरीबन। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, बहुत ही ईजी है, कोई भी बना सकता है, आराम से बनाएं और सबको खिलाएं। बहुत अच्छी बनी थी भिंडियाँ, उम्मीद है आप ये बना के तो सबको ज़रूर खिलाएँगे। मुझे प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो। ये देखें मेरी भिंडियाँ तैयार हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।